सर, मेरा नाम मोहम्मद अमीन तरे है और मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। आज हमारा छठवां रोज यहाँ पे है और ये जो प्रोटेस्ट है ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है, क्योंकि हमारे साथ वादे किए गए थे जब हमने खिदमत सेंटर्स लिए, जो वो एग्रीमेंट था जब हमने साइन किया तो कुछ वादे किए गए थे। उनमें एक ये वादा था कि हर 6 गांव या 5 गांव में एक खिदमत सेंटर होगा और वहाँ से जो भी इर्द गिर्द लोग हैं वो आपके सेंटर पे आ जाएंगे। आपको अल्ट्रा स्मार्ट ब्रांचेस में हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे, जहाँ पे आप अपनी बहुत सारे यूथ्स को जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेशन होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि फिर उन्होंने गाँव हर गाँव में खिदमत सेंटर बनाए तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है। लेकिन आज की डेट में ये मसला है कि अब वो एक गांव में 3-3, 4-4 खोलने जा रहे हैं। ऊपर से हमारे साथ जो वादे किए गए थे कि 52 सर्विसेज लागू किए जाएंगे, अभी तक उन सर्विस में हमने कोई सर्विस नहीं देखी है। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम जब मैं इस खिदमत सेंटर में आया तब मैं 28 का था, अब मैं 42 का हो गया हूँ। सर आप मुझे बताओ कि हम अब आगे क्या करें? अब हम मजदूरी भी नहीं कर सकते। हमारे घर वाले हमें सोच रहे थे कि ये प्रोफेशनल यूथ्स है, उन्होंने ये जो फैसला किया है कुछ सोच समझ के लिया है खिदमत अपने आप को जेके बैंक के साथ जोड़ने का, और ये तो एक फख्र की बात थी उस वक्त जेके बैंक के साथ जुड़ने का। आप मुझे बताओ, हम उनका कुछ नहीं मांग रहे, उनको हम कह रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, हमारे बच्चे कल किसी जगह पे ये ना कहेंगे कि हमारे जो उस वक्त हमारे फादर्स ने जो डिसीजन लिया था वो बहुत घटिया था। और आज हमें लग रहा है कि हम कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे वजह से जेके बैंक को बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए हैं। पीएम जनधन योजना, जो भी कोई स्कीम लागू होती है वो हमारे थ्रू लागू होती थी, जब वो उसमें 100% कामयाबी लेते हैं तो उसके बाद वो हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे हम कुछ नहीं है, हमें धक्के दे के ऐसे बातें करते हैं कि आज रोना आ रहा है कि हम इस प्रोजेक्ट में क्यों हैं। लेकिन हमने ठान ली है जब तक वो यहाँ पे नहीं आएंगे, आप मुझे बताओ आप कितने मीडिया यहाँ पे आ गए हैं, कोई उनसे पूछता है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या चेयरमैन साहब हमें ये नहीं बता सकता कि बेटा आप यहाँ पे आ जाओ, आप अपनी जेन्युइन डिमांड देखो। हम बैंक के लिए क्या नहीं करते हैं सर? पूरे दिन रात हम बैंक के लिए कर रहे थे, मैनेजर्स एडवांस मैनेजर्स की हर बात मानते हैं, हर जो कस्टमर आता है उसको हम कहते हैं कि आप बैठो 2 मिनट बैठो, उसके लिए पानी उसके लिए चाय मंगाते हैं ताकि जो हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं हम उस पर उसका बिजनेस बढ़े, जेके बैंक का बिजनेस बढ़े। लेकिन आज उन्होंने हमें रोडों पर खड़ा करने पर मजबूर कर दिया है, और अफसोस की ये बात है कि वो कॉन्टैक्ट भी नहीं करते हैं कि आप क्यों कर रहे हो।